प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनीडू से एक पोएम लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट। इसके राइटर हैं जॉन कीट्स। आइए शुरू करते हैं ये पोएम ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट। द ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर मीन्स होता है टिड्डा, एंड द क्रिकेट, क्रिकेट मीन्स होता है झिंगुर। हम लोग सबसे फर्स्ट पोयम में पढ़ चुके थे जिसका टाइटल था द आंट एंड द क्रिकेट। उस पोयम में कहानी थी चींटी की और एक झिंगुर की। जैसा कि दिया हुआ है पोयम को स्टार्ट करते हुए देखते हैं, अनलाइक द आंट एंड द क्रिकेट, पेज नंबर 21। 21 नंबर पेज पे हमने पढ़ा हुआ था एक कहानी के रूप में एक पोयम को जिसका टाइटल था द आंट एंड द क्रिकेट, व्हिच टेल्स अ स्टोरी, जो एक कहानी को बताती है। दिस इज अ नेचर पोयम, ये एक प्रकृति की कविता है, एक नेचर की कविता है। इन इट द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज ए कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। जैसा कि ग्रास हॉपर और क्रिकेट, टिड्डा और झींगुर इस पोयम में दिखाई नहीं पड़ते हैं एक पात्र के रूप में, एक कैरेक्टर के रूप में इस कहानी में, रेदर दे एक्ट सिंबल्स, जबकि वे काम कर रहे होते हैं सिंबल की तरीके से, एक प्रतीक की तरीके से, ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, प्रत्येक ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज बता रहे हैं। नेक्स्ट, रीड द पोयम एंड नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग। आइए हम सब इस पोयम को पढ़ते हैं और नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं कि जो पोएट्री, अर्थ की पोएट्री है, धरती की जो कविता है, यह हमेशा चाहे गर्मी हो या फिर ठंडी, यहाँ की गीत कभी खत्म नहीं होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, रुकते नहीं हैं। हु सिंग्स द सॉन्ग, ये गीत कौन गाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोयम फिर से। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, जो इस धरती की कविता है वो कभी मरती नहीं है, कभी खत्म नहीं होती है, कभी समाप्त नहीं हो सकती है। When all the birds are faint with the hot sun, जब सभी चिड़ियां लगभग ऊब सी जाती हैं, faint means होता है मुरझा जाना या बेहोश हो जाना, with the hot sun, तेज सूरज की रोशनी में, जब सभी चिड़ियां तेज सूरज की रोशनी में परेशान हो जाती हैं, and हाइड इन कूलिंग ट्रीज अ वॉइस विल रन, और वे किसी पेड़ पर चली जाती हैं, ठंडे जगह पर छुपने के लिए चली जाती हैं, तब अ वॉइस विल रन, एक आवाज वहां से आती है, कहां से, फ्रॉम हेड टू हेड अबाउट द न्यू मोन मीट, वहां पतझड़ पत्ते वाली झाड़ियों के नीचे से, अबाउट न्यू मोन, जो एक नई काटी हुई है, नई जिसे हाल में ही काटा गया है, एंड मीड, और उन मैदानों में रखा गया है, वो हरे भरे मैदानों से जो पत्ते रखे हुए हैं वहां के, उससे नीचे से वह आवाज आती है, दैट द ग्रास हॉपर्स टेक्स ही लीड, और तब वहां से जो ग्रास हॉपर होता है, जो टिड्डा होता है, That he takes the lead, वो अगवानी करता है, नेतृत्व करता है, गीत गाने के लिए स्टार्ट करता है। In the summer luxury he had never done, और वो गर्मी के मौसम में भी आराम करता हुआ कभी भी थकता नहीं है। With his delights for when he tried out with fun, लेकिन जब वह आनंद मनाते मनाते, खुशियां मनाते मनाते, जब
थक जाता है, मजे लेते लेते जब थक जाता है, ही रेस्ट्स एट ईच बीनीथ सम प्लेजेंट ट्रीज, तब क्या करता है, वो कुछ खरपतवारों के बीच में जा करके छुप जाता है, आराम कर लेता है या सो जाता है। नेक्स्ट स्टेशन जहाँ देखेंगे, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, जो पोएट्री है अर्थ की, धरती की जो कविता है ये इज नेवर सीजिंग, कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट, लोन विंटर, अकेली सर्दी की रातों में, शाम में, व्हेन द फ्रॉस्ट, जब ओस पड़ने लगती है, ओस की बूंदें चारों तरफ पड़ने लगती हैं, हैज ब्रश्ड ए साइलेंस फ्रॉम द स्टोन ईयर्स, जब चारों तरफ रोस्ट मींस होता है लाया जाना, रॉट लाया जाना, जब चारों तरफ शांति ला दी जाती है, या कह सकते हैं कि जब चारों तरफ शांति हो जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है, मौसम के पास सब कुछ एकदम चुपचाप हो जाता है, फ्रॉम द स्टोन्स दियर सिल्स, तब वहां पत्थरों के पास से तेज आवाज निकलती है, द क्रिकेट सॉन्ग इन द वार्म्थ वार्म्थ इंक्रीजिंग ईवर, और तब वहां से क्रिकेट गीत गाता है, झिंगुर गीत गाता है, इन वार्म्थ इंक्रीजिंग ईवर, तब उसे थोड़ी सी गर्मी जब महसूस होती है, तब वहां से क्रिकेट गीत गाना शुरू कर देता है। एंड सीम्स वन इज ड्रोनिसेंस हाफ लॉस्ट, और तब ऐसा महसूस होता है कि ड्रोसिनेस ऊंघते हुए कोई गीत गा रहा है, और तब हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई आधे जागते हुए और आधे सोते हुए ऊंघते हुए गीत गा रहा है। द ग्रास हॉपर्स एमोंग सम ग्रासी हिल्स, और जो ग्रास हॉपर होता है, जो टिड्डा होता है, उसकी आवाज हरे हरे पहाड़ियों के बीच में, हरी भरी पहाड़ियों के बीच में गूंजती हुई सुनाई पड़ जाती है। इसको लिखा हुआ है जॉन कीट्स ने। प्यारे दोस्तों, आज की पोयम में बस इतना ही। एनसीईआरटी की सभी विषयों का पॉडकास्ट पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।